यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन इन छोटे चुनावों के लिए राज्य के कई जिलों में बड़ी हिंसा भड़क गई। केवल डंडे और पत्थर नहीं, गोलियां तक चली। सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें यूपी के सीतापुर से सामने आई, जहां दो उम्मीदवारों के समर्थक आपस में बीच सड़क पर गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस वाले हालात संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। लोग कुछ समझ पाते और पांव पीछे खींचते, इससे पहले ही कुछ और गोलियां चलने लगी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। गाड़ी में बैठे कुछ लोगों को भीड़ मारने पर तुली दिखी। हर तरफ लोग भागते दौड़ते दिखने लगे। कार पर ईंट फेंक कर दौड़ रहे एक आदमी को देखते ही पुलिस वाले उसकी तरफ दौड़ने लगे, लेकिन तभी फिर से गोली की आवाज सुनाई दी। पुलिस वाले थोड़े चौकस हुए और उस तरफ देखने लगे जहां से आवाज आई थी, लेकिन तभी कुछ और गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। पुलिस वालों ने अपने कदम पीछे खींच लिए और सड़क पर जमा भीड़ छट गई। एक आदमी जख्मी होकर सड़क पर ही गिरा हुआ दिखा। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले सड़क पर धुआं दिखने लगा। लोगों को शक हुआ कि सामने दिख रही गाड़ी में बैठे लोग गोली चलाकर भाग रहे हैं। उनकी तरफ भीड़ दौड़ने लगी तो फिर गोली चल गई। सड़क पर गोलियों के खोखे बिखरे दिखाई देने लगे। लेकिन ऐसा हंगामा केवल सीतापुर में नहीं बल्कि यूपी के कई जिलों में हुआ। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में भी हिंसा भड़क गई और भीड़ को संभालना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। लाठियां लेकर पुलिस वाले भीड़ की तरफ दौड़ने लगे। जो हाथ आया उसे लाठी मिली और जो बच गया वो सड़क के दूसरी ओर पहुंच गया। ये भीड़ पुलिस की कार्रवाई से पहले कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर चुकी थी और पुलिस की कार्रवाई शुरू होते ही भीड़ सड़क के दूसरी ओर जमा होकर पथराव करने लगी। लाल टोपी लगाए लड़के पुलिस वालों की तरफ पत्थर उछालते रहे। कुछ पुलिस वाले पीछे खड़े रहे और कुछ आगे जाकर पत्थर का जवाब पत्थर से देने लगे। थोड़ी ही देर में पुलिस ने एक्शन की तैयारी कर ली और एक साथ पुलिस वाले भीड़ की तरफ दौड़ पड़े। इससे पहले भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। टूटी हुई गाड़ियों की तस्वीरें हैरान करने वाली थी। गाड़ियों के शीशे बुरी तरह टूटे दिखे और गाड़ियों के अंदर ईंटों के बड़े बड़े टुकड़े तक पड़े दिखे। बताया गया कि इन्हीं ईंटों से गाड़ियों पर हमला किया गया था। यहाँ तक कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त गाड़ी में एक महिला उम्मीदवार भी मौजूद थी। गाड़ी में भाभी बैठी हुई थी, खड़ा खड़ा ईंटा चला रहे थे। शासन को पत्थर लग रहा, आम जनता को लग रहा, भाभी को लग रहा, सब कुछ चोट लगा है। दो उम्मीदवारों के समर्थकों के भिड़ने की घटना जौनपुर में भी हुई, जहां जमकर तोड़फोड़ हुई। कई गाड़ियों को भीड़ ने न केवल तोड़ा बल्कि एक गाड़ी तो पलटी हुई भी दिखी। वहीं यूपी के बहराइच में भी पुलिस के लिए हालात संभालना मुश्किल हो गया। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और पुलिस वालों पर पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए। ब्लॉक चेयरमैन के नामांकन के केंद्र पर भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ जबरन केंद्र के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में पुलिस वालों से उनकी धक्का मुक्की शुरू हो गई। जब पुलिस वालों पर भीड़ भारी पड़ती दिखने लगी तो पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। हंगामा करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। जो पुलिस के हत्थे चढ़ा उसकी पुलिस वालों ने खूब पिटाई की। यूपी के पीलीभीत में भी दो पार्टियों के समर्थक आपस में झगड़ पड़े। एक दूसरे से दोनों पक्षों की धक्का मुक्की शुरू ही हुई थी कि पुलिस ने फौरन हालात संभाल लिए और दोनों को अलग कर दिया। तनाव को देखते हुए पुलिस की भारी तैनाती की गई। हालांकि हिंसा और हंगामे के आरोप समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पर ही लगे, लेकिन हिंसा की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई और खुद अखिलेश यादव ने एक वीडियो रीट्वीट किया जिसमें एक आदमी एक महिला की साड़ी खींचता हुआ दिखा। बताया जा रहा है कि इस महिला ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव पेश किया था। अखिलेश यादव ने बदसलूकी करने वालों को कौरव और इस महिला को द्रौपदी कहने में देर नहीं लगाई। एक वीडियो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने भी सोशल मीडिया पर डाला। वीडियो में पुलिस वालों से धक्का मुक्की के बाद एक आदमी आराम से टहलता हुआ दिखा जिसके पास पिस्तौल साफ दिखाई दी। जूही सिंह ने अपने ट्वीट में तमंचा रखने वाले अपराधियों का साथ देने का आरोप यूपी पुलिस पर लगा दिया। हालांकि पुलिस का दावा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने भी गड़बड़ियां की हैं उनके विरुद्ध आवश्यक और कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कई जिलों में पर्चा फाड़ने की घटनाएं भी हुई, जिनमें बदायूं जिले की घटना का वीडियो भी सामने आया। पुलिस के सामने ही दो लोगों में छीना झपटी हुई जिसमें एक आदमी के हाथ में मौजूद पर्चा फाड़ दिया गया। सौबात की एक बात यह कि यूपी में हर 5 साल पर हम लोकतंत्र के नाम पर ऐसी ही गुंडागर्दी देखते हैं, क्योंकि वहां मान लिया गया है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव दबंगई से ही जीता जा सकता है, जिसके लिए बीडीसी यानी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को
अगवा करने से लेकर उनकी मौज मस्ती पर पैसे लुटाने की घटनाएं तो हम पहले ही देख चुके हैं, और अब नामांकन की बारी आई तो ब्लॉक प्रमुख पद के दावेदारों और उनके समर्थकों में खुली जंग छिड़ गई।